हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हम भी अच्छे हैं और आप सब लोगों को हड़ताल का टीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये एक दिन पहले का वीडियो है क्योंकि एक दिन बाद ही वीडियो जाता है। तो हड़ताल का तीज के दिन सुबह में जो है मैंने बनाया था करेले का काफ़ी ज़्यादा, मतलब आई लहसुन प्याज जो है नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने उठ के बच्चों का लंच दे दिया था, बना के वो चले गए थे। तो टीचर डे था, आप सब लोगों को टीचर डे की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो उनको फिर आ जाना था 11-12 बजे तक। तब तक मैंने करेली काट के उसका जो है बीज है उसको निकाल दिया था और निकाल के उसको पानी से धुल के अच्छे से रख दिया था। ये काफ़ी ज़्यादा, जो भी करेली अगर ना खाता हो, बच्चे हो बड़े हो, तो आप इस तरह बना के देखिए, वो ज़रूर से खाने लगेंगे। मेरे बच्चे भी उस तरह करेली नहीं खाते हैं, उसके सूप भुजिया बना, लेकिन इस तरह मैं बना देती हूँ तो चावल दाल के साथ काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं चावल दाल से बनाने के लिए, खाने के लिए इसको बना रही थी। काफ़ी टेस्टी लगता है, रोटी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो मैंने सब क्या किया था कि अच्छे से धुल के 2-3 पानी से, ताकि इसका तीखापन जो भी है कड़वापन वो निकल जाए, और इसको जो है फैला दिया था ताकि इसका सारा पानी सूख जाए। भी पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, चाहे तो पंखे के नीचे थोड़ा सा सुखा दे या सूती कपड़े से इसका पानी अगर तुरंत बनाना है तो धुल के तुरंत पोंछ दे, तब भी इसका पानी तो मैंने रख दिया था 10 मिनट के लिए कि पानी सूख जाए। खान यानी कल तीज है, तो हम लोग के यहाँ आज जैसे क्या होता है कि बिना नहाए खाया नहीं जाता। वैसे तो बिना नहाए पूजा किए तो कोई किसी दिन भी नहीं खाता है, लेकिन आज का जो नियम है, बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना नहाए, मतलब जैसे खाना वाना बन जाता है, कुछ भी बनाए नहीं है। अभी चल रहे हैं तो सब्जियां सारी काट के रख दिए थे क्योंकि बालों में लगाए थे मेहंदी। आज भले ही बृहस्पतिवार है लेकिन नहान खान के में दिन नहीं लिया जाता है धुल के, तो मैंने मेहंदी लगाया था। तो बस वैसे ही सादे पानी से धुल लिए हैं, कल शैम्पू कर लेंगे। तो अभी बना रहे हैं मूंग दाल का चीला नाश्ते के लिए, और फिर उसके बाद देखिए ये मैंने कट किया लौकी, साथ में करेली। तो सारी चीज़ें जो हैं बिना लहसुन प्याज के ही बनेंगी। तो बस चलिए अभी पहले नाश्ता बना लेते हैं क्योंकि लेट हो गया है, बच्चों को भी देना है और आज टीचर्स डे है। आप सब लोगों को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बच्चों का भी मतलब 2 ही घंटे का प्रोग्राम है तो वो 10:30-11 बजे तक आ जाएंगे। तो बस यही है, तो चलिए बना लेते हैं। वाले थे तो मैंने जो है उनके लिए नाश्ता 11 बजे तक मतलब सोचा कि बना देंगे, क्योंकि उसी चाय और बिस्किट खा के गए थे। तो मैंने मूंग दाल जो है सुबह में ही आज पड़ा तो भिगो दिया था, और बिना लहसुन प्याज के ही आज बनता है तो बना रही थी इसको। तो थोड़ा सा अदरक और 2 हरी मिर्चें डाल दी थी, 2 चम्मच के लगभग मैंने सूजी डाल दिया था करारेपन के लिए, और 2 चम्मच पानी डाल के इसको एकदम फाइन पेस्ट बना लिया था, यानी पीस लिया था, कोई भी मसाला नहीं डाला था। लेकिन वास्तव में इतना ही ज़्यादा टेस्टी बना था ये नाश्ता कि क्या बताया जाए। वैसे भी दाल जो है हेल्दी होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी नाश्ता था। बच्चों ने भी काफ़ी पसंद से इसे सॉस के साथ खाया था, साथ में इसको चटनी के साथ, तीखी कोई भी चटनी बना सकते हैं उसके साथ भी, सॉस के साथ या चाय के साथ खाएंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस मैंने इसमें जो है पानी डाल दिया था। आप इसको जो है मूंग दाल का डोसा भी बोल सकते हैं क्योंकि कुछ पड़ा नहीं था, काफ़ी ज़्यादा करारा बना था। तो मैंने जो है इसमें पानी डाल दिया था थोड़ा सा, ना ज़्यादा पतला रहेगा ना ज़्यादा गाढ़ा रहेगा, बस बेटर रहेगा। हल्दी डाल दिया था और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया था, बस मसालों में यही डाला था, बाकी कोई मसाला नहीं डाला था। तो हल्दी तो हम लोग क्या जरूर हर चीज़ में पड़ती है क्योंकि बिना हल्दी के कोई चीज़ बोलते हैं कि शुभ नहीं माना जाता, इसलिए कलर के लिए ज़रूर हल्दी पड़ता है। पानी डाल दिया था तो जब बिटर, और उसके बाद मैंने नान स्टिक, इसको लोहे के तवे पर भी बना सकते हैं, एकदम चिपकेगा नहीं, नान स्टिक तवा लिया था, उस पर पानी डाल के पहले छिड़क के और उसके बाद पोंछ दिया था, और इसके बाद इसको फैला दिया था। जिस तरह डोसा फैलाते हैं उसी तरह एक ही तरफ से फैलाते जाए, काफ़ी अच्छे से जो है बन जाएगा। और जब इसको फैलाएं तो गैस को हाई रखें और फिर उसके बाद गैस को मीडियम कर दें। जब एक तरफ अच्छे से हो जाए तब इसमें मतलब दिखने लगे बुलबुला टाइप में, तब जाके इस पर एक दो बूंद तेल मैंने डाल दिया था। चाहे तो बिना तेल के भी बना सकते हैं, बिना एकदम नहीं चिपकता है, बिना तेल के भी बन जाती है, काफ़ी करारी लगती है। लेकिन मैंने 1-2 बूंद तेल डाला था और इसको दूसरी तरफ भी उलट दिया था क्योंकि बेटा
क्या बोला था कि मुझे दोनों तरफ से उलट की चाहिए, तो खड़ा था तो उसको देने के लिए चाहे तो सिर्फ एक तरफ जो है बना के उसके बाद उसको मोड़ सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पतला बना है कि बिल्कुल भी कच्चा रहने की कोई संभावना नहीं है। तो फिर मैंने पानी छिड़क दिया था और कपड़े से पोंछ लिया था। जितनी बार भी बनाएं उतनी बार भी पानी छिड़क के बनाएं, तभी जो है चिपकेगा नहीं, नहीं तो चाहे तो तेल लगा के भी बना सकते हैं, लेकिन तेल ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैंने जो है डोसे की तरह एकदम बनाया था इसको, और फिर दूसरा वाला मैंने डाल दिया था। और ये देखिए कितने आसानी से ये फैल जाते हैं, कितनी आसानी से ये बन गए थे, बहुत जल्दी से बन गए थे। एक से दो बूंद बस तेल, जब एक पक जाए तब एक से दो बूंद तेल बस डाल दें, और उसके बाद नीचे से इसको जो है काफ़ी अच्छे से मैंने जो है उलट दिया था। और इस बार मैंने उल्टा नहीं था, इस बार मैंने जो है एक ही तरफ से मोड़ दिया था, और ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं था कि आपको शंका हो कि दूसरी तरफ कच्चा था, एकदम से अच्छे से हो गया था और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। थोड़ा सा एक तरफ अच्छे से पक जाने दे, कलर अगर और डार्क चाहते हैं तो और पक जाने दे, लेकिन ये कलर अच्छा लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने निकाल दिया था। तो ये बन गई थी मेरी जो है डोसा। तो बच्चों ने सॉस के साथ, मैंने भी चाय के साथ ले लिया था, बच्चों ने भी चाय के साथ लिया था, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था। फिर मैं आ गई थी क्योंकि मैंने दाल बैठा दिया था, दाल हो चुकी थी। फिर इधर बना लिया था मैंने जो है करेले का जो है रेसिपी। तो करेले मेरा पानी पूरा सूख सका था, इसमें 3 बड़े चम्मच मैंने बेसन डाल दिया था, आधा चम्मच डाला था मैंने जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाला था, और आधा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला था। तीखा वाला नहीं डाला था, कश्मीरी डाला था, क्योंकि तीखा वाला जो है करेली खुद तीखा होता है, इसलिए मैंने 3-4 पानी से धोया था तो तीखा बिल्कुल भी ना लगे, इसमें कश्मीरी डाला था। स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया था, और फिर मैंने इसमें जो है हल्दी डाला था, बस यही डाला था, पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था मैंने, पानी इसका सुखा दिया था। और फिर बस इसको हाथों से अच्छे से मिला लिया था ताकि बेसन के साथ सारे मसाले और करेली अच्छे से मिक्स हो जाए, काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया था। और एकदम से पानी बिल्कुल भी, बस यही ध्यान दें कि पानी नहीं रहना चाहिए, तभी करारी बनती है। तेल को जिस तरह पकौड़े का तेल गर्म होता है बिल्कुल उसी तरह अच्छे से गर्म कर लें, उसके बाद गैस को मीडियम कर दें, और इसके बाद एक एक करके डाल दें, या फिर चाहे तो एक बार में खूब सारे भी डाल सकते हैं। बाद में जब वो एक तरफ हो जाएगा तो दूसरी तरफ अपने आप ही अगर एक दूसरे से चिपके भी रहेंगे तब भी वो अच्छे से हो जाएंगे, बिल्कुल भी मतलब चिपकेगा नहीं, क्योंकि पानी तो है नहीं कि चिपकने का डर है। तो बस, तो ये देखिए बस कितने अच्छे से जो है एक भी जो है करेली एक दूसरे से चिपके नहीं है, एकदम किनारे किनारे, और काफ़ी ज़्यादा ये करारे बनते हैं। चावल दाल के साथ खा सकते, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और इसको बच्चे बड़े सब लोग खाएंगे, थोड़ा भी तीखा नहीं लगेगा। बहुत सारे लोगों को तो समझ में ही नहीं आता है कि ये करेली है, अगर बेसन मतलब पूरा अच्छे से कोट करते हैं तो। मैंने थोड़ा सा कम ही बेसन लगाया था करारेपन के लिए, अपने हिसाब से आप बेसन जो है डाल सकते हैं। तो बस ये मेरा हो गया था, और इसको थोड़ा सा पकने में, चूंकि करेली पकने में टाइम लगती है तो एक बार बट पकने में 3 से 4 मिनट लग सकते हैं, तो गैस को मीडियम ही रखें, क्योंकि हाई फ्लेम पर क्या होगा कि जल जाएगा और अच्छा नहीं होगा। तो और ये देखिए सारे मैंने जो है 2 से 3 बैच में तल लिया था। इधर मैंने चावल भी, दाल बन चुकी थी तो चावल बैठा दिया था। फिर साथ में मैंने उसको निकाल के लौकी का सब्जी बनाया था। तो लौकी में भी जो है देखिए करेली बनाया था, उसमें भी प्याज लहसुन नहीं डाला था, इधर लौकी भी बना रही थी तो इसमें भी प्याज लहसुन नहीं था। साथ में करेली की भुजिया नहीं है, करेली की सब्जी की पकौड़ी है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है, एकदम तीखी नहीं लगती है। सब्जी तो बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन ये खा लेते हैं, तो उसको आज बनाया था। सारी चीज़ें बिना लहसुन प्याज वाली भी बनी हैं और टेस्टी भी लगती हैं बिना लहसुन प्याज की। तो ये देखिए ये लौकी की सब्जी, तो बस खाना बन चुका है, अभी 12 बज रहे हैं। नाश्ता बच्चों ने दाल वाला कर लिया था, तो रुके 1:30 बजे खाना खाएंगे। तो कुछ एक किचन की देखिए, तो ये पूरी किचन की क्लीनिंग आज भी सब कुछ साथ ही साथ मतलब कर लेते हैं, पूरा पोछ पाछ के सब कुछ स्थिर कर दिए हैं, अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। तुरंत ही जो कपड़ा रहता है उसको भी धुल के डाल देते हैं, जिससे गैस आज पोछते हैं कि वो भी सूख जाए। तो बस यही है, तो चलिए अभी देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। फिर ये लगा लिया था सबके लिए खाना, तो चावल दाल करेली की सब्जी, दाल को मैंने जीरा और हरी मिर्च से जो है फ्राई कर दिया था। तो ये आज का जो है बिना लहसुन प्याज का काफ़ी ज़्यादा टेस्टी खाना बन गया था। फिर रात हुई थी, फिर मैं मार्केट चली गई थी क्योंकि मुझे जो है कुछ सामान लाने था। तो जो भी सब्जियाँ मैं लाई थी हल्का फुल्का सब उसको धुल दिया था, क्योंकि खीरा इसमें ज़रूर होता है तो उसको भी धुल दिया था। साथ में केला जो लाई थी, फल आदि जो भी था वो भी धुल दिया था, और धुल के जो है सारी चीजें रख दी थी।
सिंपल सी सूखी रोटी और सब्जी बनाए हैं, यानी आलू का भुजिया, क्योंकि अभी सुबह की भी लौकी की सब्जी पड़ी हुई है। तो सुबह व्रत रहना है तो शाम में गए थे वो चढ़ाने वाला सारा जो भी चढ़ता है शक्कर पार्वती जी को, वो सारा कुछ लाए हैं। कुछ सामान मतलब किचन का लाए हैं, जैसे नहीं था तो ये दाल लाए हैं, चीनी लाए हैं, कुछ और मतलब थोड़ा थोड़ा सामान लाए थे, क्योंकि अभी मतलब पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम है, पेमेंट वेमेंट आया नहीं। और ये थोड़ा थोड़ा मतलब ड्राई फ्रूट्स है परसों हलवा बनाने के लिए। सारा सामान जब महीना ख़त्म होता है तभी ख़त्म हो जाता है, तो धीरे थोड़ा बहुत सामान जो है शाम को लेके आए हैं। अभी सारा सामान जो है डब्बे में रखना है। मेहंदी भी नहीं लगी है, अभी चल रहे हैं तो बेटी से मेहंदी भी लगवा लेंगे, क्योंकि कल सुन रहे हैं कि तीज है, शाम में वैसे पूजा की जाती है लेकिन यहाँ थी चौथ लग जा रहा है 1 बजे के बाद, तो सुबह में ही पूजा करना है, तो बस इसीलिए इस टाइम में तो दिन में मेहंदी लगा लेते हैं, खाते खाते वो लगा देती है। तो अभी चलिए चलते हैं, बाकी का काम कर लेते हैं, यानी जो है सारा सामान जो है अस्थिर कर देते हैं, रख देते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों को बोल रहे हैं कि खाना खा लें, ताकि अभी कुछ बर्तन धुले हैं, कुछ बर्तन बाद में धुल देंगे, केले या फल आदि इसी समय धुल दिए हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपकी मोटिवेशन से यानी एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, तो ज़रूर जो है मेरा वीडियो को फुल वॉच करें, पूरा देखें, और उसमें आप लोगों को अगर कुछ मदद मिलती है तो ज़रूर बताएँ, और आगे क्या कर सकते हैं ये भी बताएँ। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो, बाय। और फिर खाना आज बना लेने के खा लेने के बाद जो है बेटी ने जो है मेहंदी लगा दिया था, तो बेटी मेरा जो है काम भर का मतलब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उसने मेहंदी कैसा लगाया था। मुझे तो अच्छा लगता है कि बाहर मार्केट में जाने से अच्छा 500 रुपये देने से अच्छा है कि घर पे ही लग जाए तो सही है, तो हर बार वही लगाती है। कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि मेहंदी कैसी लगी थी। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।